हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल। चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, तो कि लेक्चर नंबर 3। तो चलिए, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आगे दो लेक्चर्स के अंदर कौन कौन से मूलाक्षर सीख चुके वो हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम 4 मूलाक्षर सीखे थे, कौन कौन से, तो कि क, ख, ग, घ। हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये 4 मूलाक्षर सीखे थे, ठीक है। चलिए, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से मूलाक्षर सीखे थे, तो कि च, छ, ज और ज, ठीक है। तो ये हम कितने मूलाक्षर सीखे थे, 4 और 4 8 मूलाक्षर हम दो लेक्चर के अंदर सीखे थे, ठीक है। कौन कौन से, तो कि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज। तो आज हम कौन सा मूलाक्षर सीखेंगे स्टूडेंट्स, मूलाक्षर ट। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। चलिए, मूलाक्षर ट। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो कितने स्टेप के अंदर मूलाक्षर ट को हम लिखेंगे वो देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा हमारा, स्लीपिंग लाइन। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टैंडिंग लाइन। एंड स्टेप नंबर 3 क्या होगा, जहाँ पे स्टैंडिंग लाइन फिनिश होती है वहीं से हम करेंगे हाफ सर्कल, या वो हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 3। तो चलिए फटाफट से हम कलर फिलअप कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो कि स्लीपिंग लाइन। तो चलिए हम स्लीपिंग लाइन के अंदर अच्छे से कलर को फिलअप कर देते हैं। फर्स्ट लाइन, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप 2 क्या है, तो कि स्टैंडिंग लाइन। तो हमने स्टैंडिंग लाइन में भी अच्छे से कलर को फिलअप किया। एंड स्टेप नंबर 3 क्या है, तो कि जहाँ से स्टैंडिंग लाइन फिनिश होती है वहीं से हमें क्या ड्रॉ करना है, हाफ सर्कल। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे हाफ सर्कल। चलिए, हुआ कंप्लीट। तो ये कौन सा मूलाक्षर हो गया, मूलाक्षर ट। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मूलाक्षर पहचान कर उसके ऊपर गोला कीजिए। कौन सा मूलाक्षर हम सीख रहे हैं, मूलाक्षर ट। चलिए, तो फर्स्ट मूलाक्षर क्या है, ट, ख, भ, क, ट, ख, क, घ, ड, ख, क, च, ख, ट, न, ख, ब, ट, य, ट, न, ख, ग, ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, तो कि जहाँ पर भी मूलाक्षर ट दिखा वहाँ पे हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बिंदुओं को जोड़ो। कौन से बिंदुओं को जोड़ना है, तो कि मूलाक्षर ट हमें लिख के दिया है कौन से फॉर्म में, तो कि डॉट्स के अंदर। तो उसको हमें अच्छे से ट्रेस करना है। चलिए, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर, ट से टमाटर। नेक्स्ट, ट से टब, ट से टब, ट से टब। तो आपको इसी तरह से दिए गए डॉट्स को ज्वाइन करना है। चलिए, देखिए यहाँ पे आपको नीचे क्या दिया है, होमवर्क। आपको कैसे पता चलेगा कि ये होमवर्क है, तो कोने में लिखा है HW। तो ये होमवर्क आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद करना है। चलिए, ट के बाद कौन सा मूलाक्षर आएगा, तो कि मूलाक्षर ठ। तो चलिए, मूलाक्षर ठ कितने स्टेप में लिखा जाता है वो देखते हैं, उसके बाद
सर्कल करेंगे, उसके बाद डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्लीपिंग लाइन। स्टेप नंबर टू स्टैंडिंग लाइन। स्टेप नंबर थ्री हाफ सर्कल। चलिए यहाँ तक तो हमने टॉक के अंदर सीखा था, ठीक है। अब क्या करना है, तो कि जहाँ से हाफ सर्कल छोड़ा है ना, वहीं से हमें दूसरा हाफ सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। यानी कि हम कितने स्टेप के अंदर लिखेंगे? फोर स्टेप के अंदर। चलिए तो हम कलर को अच्छे से फिलअप कर दें इसके अंदर। स्टेप फर्स्ट स्लीपिंग लाइन, तो चलिए स्लीपिंग लाइन के अंदर कलर फिलअप कर दीजिए। स्टेप नंबर टू क्या था? स्टैंडिंग लाइन, तो चलिए स्टैंडिंग लाइन में कलर फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट क्या था? तो कि हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल के अंदर कलर को अच्छे से फिलअप कीजिए। उसके बाद कहाँ करना था? तो कि जहाँ से हाफ सर्कल छोड़ा था वहीं से हमें दूसरा हाफ सर्कल इस तरह से करना है, जैसे कि एक सर्कल दिखे, ठीक है। चलिए अब बारी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मूलाक्षर पहचान कर उसके ऊपर गोला कीजिए। कौन सा मूलाक्षर सीख रहे हैं? मूलाक्षर ठ। तो चलिए फर्स्ट क्या है? ठ, ख भ क च ख ठ, घ ड ख ठ, च ठ क न ख, ठ ख य क ठ ख ग ठ। तो जहाँ पर भी आपको ठ मूलाक्षर दिखेगा वहाँ पे आप क्या करोगे? सर्कल करोगे। चलिए अब बारी है आपके नेक्स्ट मूलाक्षर की, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बिंदुओं को जोड़ो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें जो डॉट्स दिए गए हैं उसको अच्छे से ट्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। नेक्स्ट ठ से ठग, ठ से ठग, ठ से ठग, ठ से ठग। तो आपको इसी तरह से बोलते जाना है और डॉट्स को ज्वाइन करते जाना है। चलिए नीचे होमवर्क है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि होमवर्क है कि नहीं है? तो कि यहाँ पे कोने में लिखा है एच डब्ल्यू, हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क। चलिए नेक्स्ट मूलाक्षर है ड। तो हमने इससे पहले कौन कौन से दो मूलाक्षर सीखे? तो कि ड से पहले हम सीखे ठ, और ठ से पहले क्या सीखे? तो कि ट। अब हम क्या सीखेंगे? मूलाक्षर ड। तो चलिए हम कितने स्टेप के अंदर मूलाक्षर ड को लिख, ध्यान रखिएगा ड और ट दिखने में सेम है पर लिखने में अलग अलग है। चलिए तो फर्स्ट स्टेप है स्लीपिंग लाइन, सेकंड स्टेप है स्टैंडिंग लाइन, स्टेप नंबर थ्री क्या है? वही से हाफ सर्कल, एंड स्टेप नंबर फोर जहाँ से हाफ सर्कल छोड़ा है वही से दूसरा हाफ सर्कल। तो चलिए अब इसके अंदर हम कलर को फिलअप करते हैं। स्टेप नंबर वन क्या है? स्लीपिंग लाइन, तो उसके अंदर हम कलर फिलअप कर देते हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो कि स्टैंडिंग लाइन, तो उसके अंदर भी अच्छे से कलर को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद क्या है? तो कि हाफ सर्कल, तो चलिए हाफ सर्कल के अंदर अच्छे से कलर को फिलअप कर दीजिए। चलिए हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था? तो कि वहीं से हमें दूसरा हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, तो हमने वहीं से दूसरा हाफ सर्कल भी अच्छे से ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सा मूलाक्षर हो गया स्टूडेंट्स? हमारा मूलाक्षर ड। चलिए अब नेक्स्ट क्या लिखा है मूलाक्षर पहचान कर उसके ऊपर गोला कीजिए। तो चलिए कौन सा मूलाक्षर हमने सीखा? तो कि मूलाक्षर ड। तो चलिए ग ड भ क च ख ड, घ ड ख क च ड, न क न ख, ब ड
य क न ख ग ड। तो जहाँ पर भी हमें मूलाक्षर ड दिखेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिंदुओं को जोड़ो। कौन से बिंदुओं को, तो कि मूलाक्षर ड के डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे। चलिए ड से डमरू, ड से डमरू, द से डमरू, द से डमरू, ड से डमरू। नेक्स्ट बॉक्स द से डिब्बा, ड से डिब्बा, ड से डिब्बा, ड से डिब्बा। तो आपको इसी तरह से बोलते जाना है और डॉट्स को ज्वाइन करते जाना है। चलिए इस पेज पे होमवर्क है तो कि हाँ, कहाँ पे, तो कि यहाँ पे एच डब्ल्यू लिखा है। चलिए हमारा नेक्स्ट मूलाक्षर कौन सा है, तो कि मूलाक्षर ढ। तो इससे पहले हम कौन कौन से मूलाक्षर सीख चुके स्टूडेंट्स, तो कि ट, ठ, ड, और अब कौन सा मूलाक्षर सीखेंगे, मूलाक्षर ढ। तो ठ और ढ इन दोनों में भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ठ किस तरह से लिखते हैं और ढ किस तरह से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, बेसिक स्लीपिंग लाइन, फिर नेक्स्ट स्टेप स्टैंडिंग लाइन, नेक्स्ट स्टेप हाफ सर्कल, एंड नेक्स्ट स्टेप जहाँ पे हाफ सर्कल फिनिश होता है वहीं से हम कर देंगे सर्कल। तो वो कितना स्टेप हो जाएगा, स्टेप नंबर 4। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर अच्छे से कलर को फिल अप करेंगे। चलिए तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा स्लीपिंग लाइन, तो हम उसके अंदर अच्छे से कलर को फिल अप कर देते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो कि स्टैंडिंग लाइन, तो उसके अंदर भी हमने अच्छे से कलर को फिल अप किया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, तो कि हाफ सर्कल, तो हमने हाफ सर्कल के अंदर भी अच्छे से कलर को फिल अप कर दिया इस तरह से। चलिए उसके बाद का स्टेप क्या था, तो कि जहां से हमने हाफ सर्कल को छोड़ा है वहीं से क्या करना है, सर्कल करना है। तो हम यहीं से क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे इस तरह से। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा मूलाक्षर ढ। चलिए देखिए बाजू में क्या लिखा है, मूलाक्षर पहचान कर उसके ऊपर गोला कीजिए। कौन सा मूलाक्षर सीख रहे हैं, मूलाक्षर ढ। तो चलिए ग ढ, भ क ढ, ख क ढ, ढ ख क च, ख क ढ, ख ब ढ, य क ढ, ख ग ढ। तो जहाँ पर भी हमें मूलाक्षर ढ दिखा वहाँ पे हमने क्या किया, तो कि सर्कल कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बिंदुओं को जोड़ो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्लीपिंग लाइन, तो चलिए बोलते जाइए ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। सामने की साइड ढ से ढेर, ढ से ढेर, ढ से ढेर, ढ से ढेर। चलिए तो यहाँ तक फिनिश हुआ। चलिए अब आपका होमवर्क क्या है, कैसे पता चलेगा, तो कि यहाँ पे एक कोने में लिख के दिया है। तो चलिए अब तक हमने कौन कौन से मूलाक्षर सीखे, फर्स्ट लेक्चर में क, ख, ग,
घ। नेक्स्ट च छ ज ज। आज के लेक्चर में कौन कौन से मूलाक्षर सीखे? तो की ट ठ ड और ध। तो हमने कितने मूलाक्षर सीखे हैं? जो जितने भी मूलाक्षर सीखे हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पहले पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।